तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं कि होता क्या है। द डिजाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व क्रिएटिंग द फ्रेमवर्क विद इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। इट डिफाइन हाउ टू टास्क अ डिवाइडेड ग्रुप एंड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे दोस्तों ये बताने का कोशिश किया गया है कि जो आपका डिजाइन है उसको ऐसे बनाना है, या उस ढांचे को ऐसे बनाना है ताकि जिसमें अपना संगठन जो है वो काम को कर सके। इसमें ये भी तय किया जाता है कि काम को कैसे बांटना है, मतलब किस ग्रुप में कितने ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, कोई टीम बनानी है तो कितनी टीम बनानी है, उसको कैसे बनाना है, ये भी डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और इसके जितने भी काम हो उसको उसको ऑर्गेनाइजेशन के काम से जोड़ा जाता है ताकि हमारे गोल को इजिली अचीव कर पाए। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस है ये, या ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको बनाने के बाद उसी में कंपनी काम करती है। ठीक है, जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ की एलिमेंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। पहला दिया है वर्क स्पेशलाइजेशन, डिवाइडिंग टास्क इंटू स्पेसिफिक जॉब अलाउइंग एम्प्लॉय टू स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर एरिया। इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि काम को उस तरह से डिवाइड करिए कि जिस तरह से उसका स्पेशलाइज ओवर पीपल जो हायर किया गया है, मतलब मान के चलिए जो प्रोडक्शन के लिए हायर किया गया है उसको प्रोडक्शन का ही काम दीजिए, ये नहीं कि कोई भी काम उठा के दे दिए। इसके बाद दिया गया डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, ग्रुपिंग जॉब इनटू डिपार्टमेंट्स एंड बेस्ड ऑन द फंक्शन प्रोडक्ट जियोग्राफी प्रोसेस और कस्टमर। ठीक है, जो ग्रुप किया गया है डिपार्टमेंट वाइज वो फंक्शन के वाइज करिए, प्रोडक्ट के वाइज करिए, या फिर एरिया के वाइज करिए, या प्रोसेस के वाइज करिए, कस्टमर के वाइज कर दीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। चेन ऑफ कमांड, एस्टेब्लिशिंग अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप टू द ऑर्गेनाइजेशन टू द बॉटम। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि जो चेन ऑफ कमांड है उसको टॉप टू बॉटम रखिए, बॉटम टू टॉप रखिए, मतलब जो डिसीजन ले रही है अथॉरिटी उसको कौन लेगा, कौन सा डिसीजन, ये सारी चीज उनको पहले से ही क्लियर रहे, मतलब द अथॉरिटी। यहाँ पे ये भी लिखा गया है एस्टेब्लिशिंग अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनको पहले से ही पता हो कि हमको कौन कौन सा डिसीजन लेना है, टू द बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्लॉई अ मैनेजर कैन इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज। यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया गया है दोस्तों कि आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने चाहिए, मैनेजर उसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उनको मैनेज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो मतलब एक मैनेजर के पास कितने एम्प्लॉय हो सकते हैं, मतलब जो उनके लिए एडेप्टेबल हो और वो काम करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रलाइज वर्सेज डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब अथॉरिटी जो होती है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आती है, ठीक है, या फिर लोअर लेवल से टॉप लेवल तक जाती है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, उसके कुछ स्ट्रक्चर हैं उसको भी हम लोग जान लेते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। पहला है फंक्शनल ग्रुप एम्प्लॉय बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड रोल और फंक्शन। यहाँ पे उसी एम्प्लॉय को ग्रुप में रखना है दोस्तों जो उस फंक्शन के लिए आया हो या उस स्पेशलाइजेशन से हो, मतलब मार्केटिंग का बंदा है तो मार्केटिंग में ही रहे हो, वो ऑपरेशन में ना जाए, सेल्स में ना जाए। डिविजनल स्ट्रक्चर, ग्रुप एम्प्लॉय बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस मार्केट ज्योग्राफिक रीजन। ठीक है, डिविजन वाइज स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देने, मतलब लखनऊ रीजन आप संभालिए, कानपुर रीजन कोई और संभालेगा, आपका नोएडा रीजन कोई और संभाल रहा है, ठीक है, रायबरेली रीजन कोई और संभाल रहा है, तो ऐसे करके डिविजनल की स्पेसिस पे मार्केट या फिर ज्योग्राफी के बाउंड्री के उस पे कर देते हैं। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कंबाइंड फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर विथ एम्प्लॉय रिपोर्टिंग टू मैनेजर। यहाँ पे ये बताया गया दोस्तों कि एक जो मैनेजर होता है बहुत सारे काम को संभाल सकता है, मतलब फंक्शन और डिविजनल दोनों को इजिली एक से कंबाइन करके संभाल सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है मैट्रिक्स का नाम दिया गया है। ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज फ्यूअर लेवल ऑफ हायरार्की। ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर में जो हायरार्की होती है मतलब इम्प्लॉय की मैनेजमेंट की, वो थोड़ा कम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग लेते हैं, ठीक है, उससे जो हमारा काम है वो इजिली अचीव होता है। ठीक है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर विथ मल्टीपल लेवल ऑफ मैनेजमेंट वेयर ईच लेवल हैज क्लियर चेन ऑफ कमांड। यहाँ पे ये बताया गया दोस्तों, हायरार्किकल स्ट्रक्चर हर आप कंपनी में आप देखेंगे फॉलो करने को मिलेगा। यहाँ पे ये बताया गया कि एक कंपनी में बहुत सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें हर अलग अलग डिपार्टमेंट के पास हर अलग अलग कंट्रोल होता है, डिसीजन लेने का अधिकार होता है, तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसको भी देख लेते हैं, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है उसमें अलग अलग फॉर्मल स्ट्रक्चर होने चाहिए, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब फॉलो नहीं कर पाएंगे तो जिससे गोल अचीव नहीं हो पाएगा। स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी शुड अलाइन विथ इट्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये मतलब है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना है वो आपके स्ट्रेटेजी से मैच होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उससे मैच होना चाहिए, अदरवाइज प्लान आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी,
नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है दोस्तों, अगर उसको आप एडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, उससे भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फेल्ड माना जाएगा। इन्वायरमेंट और कल्चर, ठीक है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में रिक्वायर अ मोर फ्लेक्सिबल एंड डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अनसर्टेनिटी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ताकि आपका जो काम है वो जल्द से जल्द हो सके और आप उसको चेंज कर पाए। सपोज दैट कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो उसको चेंज करने में अगर हायरार्किकल मेथड आपका बहुत लॉन्ग है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि इन्वायरमेंट के बेसिस पे भी आपको डाटा को चेंज वेंज करना पड़ जाता है, तो उससे आपको ये फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेगा किसको, ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी स्ट्रक्चर को। कल्चर क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैन इन्फ्लुएंस द डिजाइन, ठीक है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो पूरा तरह से आपके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और डिजाइन भी करता है, वही बताता है कि आपके यहाँ काम कैसे हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या गलत हो रही है, हर चीज आपको आइडेंटिफाई करने में मदद कर देता है। इससे क्या होगा दोस्तों कि फैक्टर जो इतने सारे जो मैंने दिए ये अफेक्ट करते हैं। इससे पहले मैंने टाइप्स बता दिए आपको किसके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।